नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सोमवार की शाम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। शाम को पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस अभी सभी जानकारियों को समेटने में जुटी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद गिरी का दावा है कि नरेंद्र गिरी सही से नहीं लिख पाते थे, जबकि नरेंद्र गिरी के अन्य शिष्य निर्भय द्विवेदी ने साफ कहा है कि महंत जी लिख सकते हैं। निर्भय के मुताबिक नरेंद्र गिरी सोमवार को किसी का इंतजार कर रहे थे, कोई उनसे मिलने आने वाला था। सुसाइड नोट के अलावा नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, ये अब पुलिस की हिरासत में है। महंत नरेंद्र गिरी को वीडियो के दम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने में एक सीडी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग के इस मामले में समाजवादी पार्टी के सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे व्यक्ति भी जांच के दायरे में हैं। जिस नेता की बात हो रही है, वह अक्सर बागमगरी मठ में नरेंद्र गिरी से मिलने आते थे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिससे आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है, वह पूर्व राज्य मंत्री उसका भी करीबी था। प्रयागराज पुलिस को कॉल डिटेल की मदद से ये सभी अहम सुराग मिल चुके हैं और अब पुलिस की रडार पर ये समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी आ गए हैं। ताजा जानकारी के आधार पर ही पुलिस अब अपनी आगे की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ यहाँ से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए मुझे गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ।